मनुष्य जीवन में जीवन जीने की कला एक सबसे बेहतरीन कला है। जीवन जीने की कला, और जीवन जीने की कला लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहिए वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। धन कमाने की कला होती है, गाड़ी चलाने की कला होती है, बोलने की कला होती है, हर चीज़ की कलाएं होती है, टीचिंग करने की कला होती है, खेती किसानी की कला होती है, इंजीनियरिंग की कला होती है, हर कला होती है। लेकिन सारी कला के सामने यदि जीवन जीने की कला नहीं है तो सारी कला बेकार चली जाती है। भजन गाना, प्रवचन करना, लोगों के बीच में बैठना, ये सारी कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं से सबसे बेहतरीन कला है जीवन जीने की कला। और जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आता, वह व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने का कला नहीं आता, वह व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आता, वह व्यक्ति धैर्य, सम्मान, समता, एकता, आत्मा, परमात्मा को नहीं जान सकता। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आता, वह व्यक्ति आप अपने घर को नरक का द्वार बना लेता है, घर को स्वर्ग नहीं बना पाता है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला नहीं आता, वह व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के लिए दुनिया में भटकता है, मंदिरों में, मस्जिदों में जाता है, लेकिन अपने ही अंदर आत्मा और परमात्मा है वह एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि उस व्यक्ति को जीवन जीने की ही कला पता नहीं है। हर कलाएं के सामने जीवन जीने की कला एक सबसे बेहतरीन कला है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, सज्जनों एवं देवों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जीवन जीने की कला जाने, और जीवन जीने की कला के लिए आपको किसी भगवान के पास नहीं जाना है, किसी देवी और देवता के पास नहीं जाना है, किसी ईश्वर और खुदा गार्ड के पास नहीं जाना है। आपको अपने अंदर है उसको जगाना है, आपको अपने अंदर है उसको जगाना है। आदमी के पास हर गुण होते हुए भी, आदमी हर तरह से शक्तिशाली होते हुए भी, आदमी विपिन्न होकर के भटक रहा है, अपने ही कमजोरी वश, अपने ही बुराइयों के कारण आदमी अपने ही लोगों से पराया होता जा रहा है। अपने ही माँ बाप से लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं, अपने ही बच्चे से बिछड़ते चले जा रहे हैं, अपने ही परिवार वालों से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने की कला नहीं आ रही है। और जीवन जीने की कला के बिना सब कला निरर्थक है, सब कला निरर्थक है। सोमवार से लेकर के रविवार तक एक सात वार होता है, और जीवन जीने की कला में एक बेहतरीन है कि परिवार के सात वार के बाद एक आठवां है, परिवार आता है। उस परिवार में क्या हम जी पाते हैं? परिवार उसे कहा जाता है जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है। परिवार उसे कहा जाता है जिस घर में भाई, बहन, देरान, जेठान, सास, बहू, माता पिता आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हो, बड़ों को सत्कार किया जाता हो, छोटे को प्यार दिया जाता हो, हर एक दूसरे के चेहरे में मुस्कान हो, घर को मंदिर बनाया जाता हो और घर में रहने वाले सदस्य को देवी देवता समझा जाता हो, मानो वह घर परिवार है, मानो वही घर में जीवन जीने की कला है। नहीं तो बाहर मंदिर और मस्जिद ढूंढते रह गए, बाहर मंदिर जाते रह गए और घर को नरक का द्वार बनाए रह गए, तो बाहर मंदिर काम आने वाला नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप बाहर के मंदिर में जाते हैं नहीं जाते हैं आपकी मर्जी है, आप बाहर के मंदिर में नहीं जाएंगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन घर को मंदिर बना करके रखना। घर को मंदिर बनाने का मतलब यह है कि एक कोने में मंदिर नहीं बनाना है, आपको अपने पूरे घर को मंदिर बनाना है, और उस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं उन्हीं सदस्य को देवी देवता समझना नहीं, देवी देवता है, उनकी अर्चना और वंदना करना है, उनकी अर्चना और वंदना करता है। आदमी मिट्टी की, पत्थर की, पानी की, कागज के, फूल के, पैसे के, इसकी मूर्ति की पूजा कर लेता है, जिसको अपने हाथ से निर्माण करता है उसकी पूजा कर लेता है आदमी, जिसको खुद निर्माण करता है, खुद बनाता है उसकी पूजा आदमी कर लेता है, लेकिन जिन्होंने हमको बनाया उसके साथ बहिष्कार
उसके साथ अन्याय, उसके साथ अत्याचार, उन माँ बाप की पूजा कितने घरों में होती है। बड़े बड़े पर्व आते हैं, बड़े बड़े त्यौहार होता है, होली है, दीपावली है, छठ पूजा है, उसमें बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में आपके घरों में भगवान की पूजा होती है, असली भगवान की पूजा नहीं होती है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, आप या तो कागज़ की पूजा करते हैं, या चित्र की पूजा करते हैं, या फोटो की पूजा करते हैं, या पत्थर या मूर्ति की पूजा करते हैं, आप श्रद्धा से भगवान मानते हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हकीकत कहूँ तो सच में असली भगवान वो नहीं है। सच में असली भगवान तो माता पिता है, सच में असली भगवान तो बड़े बुजुर्ग है, सच में असली भगवान तो संत गुरुजन है, जो हमको सही दिशा पे ले जाते हैं। क्या आपके घर में माता पिता की भी पूजा होती है? क्या आपके घर में बड़े बुजुर्गों की भी पूजा होती है? ये दुनिया एक चकाचौंध में दौड़ती चली जा रही है, मंदिर और मस्जिद का होड़ लगता चला जा रहा है, यहाँ पूजा करो, यहाँ पूजा करो। कल भी मैंने कहा था, गुरु लोग भटकाते चले जा रहे हैं समाज को। कोई कहते हैं बुद्ध की पूजा करो, कोई कहते हैं कबीर की पूजा करो, कोई कहते हैं ईसा की पूजा करो, कोई कहते हैं मोहम्मद की पूजा करो, तो कोई कहते हैं राम की, तो कोई कहते हैं कृष्ण की। लेकिन मैं कहता हूँ, किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, बाहरी पूजा नहीं, उनके कहे हुए रास्ते पर चलना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र हैं। एक पुत्र करता क्या है, पिता का मूर्ति बना लेता है, साक्षात मूर्ति दिखता है, जैसे मूर्ति बोल पड़ेगा वैसे मूर्ति का निर्माण करवाता है और मूर्ति की पूजा और अर्चना करता है। उस मूर्ति की पूजा और अर्चना करता है, उस मूर्ति पे भोग लगाता है, उस मूर्ति को खिलाता है, उस मूर्ति को पिलाता है। लेकिन जिंदा पिताजी है, उसके सामने ना झुकता है, ना उनका प्रणाम करता है, ना उनका तबीयत पूछता है, ना उनका भोजन कराता है, उनके साथ बात भी नहीं करता है, लेकिन एक मूर्ति बना करके उनके साथ सारी वार्ताएँ करता है। एक पुत्र वो है, और दूसरा पुत्र क्या करता है, दूसरे पुत्र को मूर्ति से वास्ता नहीं है। दूसरे पुत्र करता क्या है, पिता है, उनकी सेवा करता है, उनके दुख सुख में साथ रहता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देता है, उनका भोजन पानी का ध्यान देता है। एक पुत्र वो है जो दूसरे पुत्र वो है जो जिंदा पिता को मानता है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कबीर की पूजा कर रहे हैं लेकिन कबीर के कहे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, बुद्ध की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, राम के, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो हमारी सारी पूजा तो बेकार चली गई ना, सारी पूजा बेकार चली गई। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, आप एक ऐसे विचारों से जुड़िए, भ्रांतियों से बचिए, कर्मकांड और पाखंड से बचिए। आज हमारा एक भारत एक ऐसा देश है जहां हर कोने कोने पर मंदिर बना हुआ है, और मंदिर आज व्यवसाय चल चुका है, पंडे और पुजारियों को व्यवसाय बन चुका है। इसकी पूजा उसकी आराधना, इसकी पूजा इसकी आराधना, एक व्यवसाय बन चुका है। जिस व्यक्ति को कुछ करने नहीं आता हो, एक मंदिर बना ले, मंदिर का पुजारी बन जाए, उसका पेट रोजी चलेगा, व्यवसाय चल चुका है। मैं कहा करता हूँ लोगों से, मंदिर और मस्जिद से जिस दिन पैसा बैन कर दिया जाएगा, जिस दिन पैसा बैन कर दिया जाएगा, 6 महीना वो मंदिर उखड़ करके फेंक दिए जाएंगे, कोई मंदिर में पूजा नहीं होगी, सारी मंदिर के पूजा बंद कर दिए जाएंगे। पूजा किसकी हो रही पता है, पूजा पैसे की हो रही है। पैसे की ज़रूरत है नहीं, है नहीं, लेकिन वहाँ सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, सिर्फ अपना घर और परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं, जीवन के आचरण में कोई मतलब नहीं है। वही अंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा सब कुछ खा पी रहे हैं, गाली गलौज दर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सारा साला क्रियाक्रम चल रहा है, और इधर से मंदिर भी चल रहा है। इधर मंदिर बना है, मंदिर के बगल में कोई भगवान, कोई देवी देवता किसी के बलि नहीं मांगता है, किसी का मांस नहीं मांगता है, लेकिन आदमी एक ऐसा राक्षस जानवर बन चुका है। मैं कटु कह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आदमी एक ऐसा खूंखार जानवर बन चुका है जो मांस भी हजम कर जाता है। शाकाहारी आदमी होता है, मांसाहारी जानवर का दांत नुकीला होता है, मांसाहारी जानवर का नाखून नुकीला होता है, लेकिन आदमी एक ऐसा खूंखार हो चुका है जो सब कुछ हजम कर जाता है।
आत्मियों बंधुओं, प्रकृति के द्वारा आप यहाँ बैठे बहुत से लोग जो मांसाहारी भी करते होंगे, क्षमा चाहता हूँ, आपका भोजन वो नहीं है। प्रकृति द्वारा वरदान मिला है, प्रकृति से हमें सुंदर भोजन मिल रहा है, सुंदर नेचुरली चीज मिल रहा है, शाकाहारी चीजें मिल रही है, फिर मांस का भक्षण क्यों करते हैं? प्रकृति से हमें हरी हरी सब्जियां मिलती है, पौष्टिक सब्जियां मिलती हैं, हमको 40, 50, 60, 70 रुपये में अच्छी अच्छी सब्जियां मिल जाती है, और आदमी एक ऐसा खूंखार हो चुका है जो 700, 800, 1000 रुपये किलो का मांस लेकर के खाता है। कौन सा विकास कर लेंगे आप? कौन सा विकास कर लेंगे आप? हम इतने अच्छे सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भोजन में किसी की हत्या नहीं होती है, और वो कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके भोजन में किसी की हत्या होती है, किसी का वध किया जाता है, किसी का प्राणघात किया जाता है, किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम अपने चमड़ी से तुम 700 रुपये किलो में मांस खरीदते हो, तुम्हारा मांस मैं 5000 रुपये किलो में खरीदूंगा, क्या तुम अपने शरीर से 5 ग्राम चमड़ी काट करके दे सकते हो? कोई आदमी देने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरे के दर्द पीड़ा का एहसास नहीं होता है और आदमी इंसान बन जाता है। इंसानियत आनी चाहिए। आत्मीय बंधुओं, सदगुरु कबीर का यही संदेश है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक एक प्राण, हत्या कभी न छूटी कोटिन सुनो पुराण। आप लाख पुराण सुन लो, लाख वेद मंत्र सुन लो, लाख गायत्री मंत्र सुन लो, इससे पाप कटने वाले नहीं हैं। अगर कर्म खराब है, गंगा में नहाने से पाप नहीं कटने वाला है। आज गंगा में नहाने से पाप कटता है नहीं कटता है नहीं जानता मैं। करीब करीब 15 से 17 साल इलाहाबाद में रहना होता है तो इलाहाबाद में गंगा मुख्य स्नान के दिन पाप करते हैं नहीं करता पता नहीं, लेकिन न जाने कितने लोगों के जेब कट जाते हैं और कितने बूढ़े भीड़ में दब करके मर जाते हैं। वही गंगा स्नान में पाप और मुक्ति की बात कही जाती है। वही स्नान में यदि कोई नांगा बाबा के पहले कोई गंगा में स्नान कर दिया, पहले घुस करके स्नान कर दिया, तो वही धड़ से गर्दन अलग कर दिया जाएगा। वो स्थिति रहती, किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, वही भाला से काट दिया, भाला से मार दिया जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है। क्या ऐसे जगह में जाने से मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मन की अवस्था है, मुक्ति मन की अवस्था है, मन को निर्मल करो। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष सद्गुरु कबीर साहब का इस धराधाम में जन्म हुआ था, ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी में आए, गर्मी लेकर फटकारा सारे दंभियों को प्रेम फुहारा देकर। सद्गुरु कबीर ने प्रेम फुहारा देकर के सारे दंभियों को, सारे आडंबर को तोड़ने का प्रयास किया। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब आए उस समय भी गंगा की प्रसिद्धि रही है और आज भी गंगा की प्रसिद्धि है। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब रहे, लगभग सद्गुरु कबीर साहब ने वाराणसी के आसपास ज़्यादा समय काटा है, और सद्गुरु कबीर साहब वाराणसी में रहे होंगे तो निश्चित ही वाराणसी का पानी साफ और शुद्ध रहा होगा। लेकिन आज वाराणसी से इलाहाबाद होते होते इलाहाबाद का पानी, प्रयागराज का पानी इतना गंदा, इतना मैला कुचिला हो गया है कि पानी छूने लायक नहीं रह गया है, शरीर भी साफ करने लायक नहीं रह गया है। मन की बात तो अलग है, क्योंकि कानपुर से गंगा आती है तो कानपुर के सारे चमड़े मिल के पानी गंगे में प्रवेश किया जाता है, और पूरे इलाहाबाद इतनी बड़ी आबादी है उसका सीवर लाइन का पानी पूरा का पूरा प्रयागराज गंगा में जाती है। मैं मेरे आँखों देखे अभी भी देख सकते हैं। आप इलाहाबाद में जाएंगे, इलाहाबाद में जाने के बाद में कबीर आश्रम है, कबीर आश्रम से 1 किलोमीटर पीछे पूरे बहुत बड़ा फिल्टर लगा है जहाँ कचड़े बस को फिल्टर किया जाता है और सीवर लाइन के पानी को गंगा में प्रवेश किया जाता है। क्या वहाँ नहाने से मैल धुलेगा? वो पानी इतना खतरनाक पानी है कि वहाँ नहाने से बीमार पड़ जाएगा आदमी। मैं अपने बातों पर आऊँ, आपको अपने घर को मंदिर बनाना होगा।
आप किसी देवी और देवता की पूजा मत करो चलेगा, लेकिन आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कम से कम कभी कभी त्योहारों में, कभी कभी नए वर्ष में अपने माता पिता की पूजा कर लिया करो, माता पिता की आरती उतार लिया करो। माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में आपका धन नहीं चाहिए, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य नहीं चाहिए, आपका गाड़ी घोड़े नहीं चाहिए, आपके मोबाइल नहीं चाहिए, आपका भौतिक साधन नहीं चाहिए। माता पिता को बुढ़ापे की स्थिति में बस माँ बाप का सम्मान चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए। और क्या आप अपने माँ बाप को सम्मान दे पाते हैं? क्या आप अपने माँ बाप को प्रेम कर पाते हैं? आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है माँ बाप से प्रेम करने का, आज अवसर मिला है माँ बाप के सेवा करने का। बहुत से लोग हैं जो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, तरसते हैं माता पिता के, लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, उस लोगों की माँ बाप नहीं है, बेचारा माँ बाप के लिए तरसते रह जाते हैं। माँ बाप से मिलना चाहते हैं लेकिन माँ बाप से मिल नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया से उनके माँ बाप अलविदा हो चुके हैं। और आप सबके माँ बाप हैं तो आज सौभाग्य मिला है, आज आपको अवसर मिला है कि अपने हाथों से आप अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, आज अवसर मिला है अपने बच्चों को प्यार दे सकते हैं, आज अवसर मिला है अपने बच्चों को सही दिशा पे ले जा सकते हैं, आज अवसर मिला है आपको जिंदगी में यू टर्न ले सकते हैं, आज अवसर मिला है आप कर्मकांड और पाखंड से बच सकते हैं, आज आपको अवसर मिला है कि अंडा मांस मछली शराब गुटखा सबसे बच सकते हैं, आज आपको अवसर मिला है कि माँ बाप को भगवान का स्वरूप दे सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप माँ बाप की सेवा करिए। बुढ़ापे की स्थिति में यदि कभी आप माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप की पूजा और अर्चना कर लेते हैं, बुढ़ापे की स्थिति में कभी माँ बाप के चरणों में मत्था टेक लेते हैं, कभी माँ बाप के गले में हार चढ़ा देते हैं, फूलों का हार चढ़ा लेते हैं, आरती उतार लिया करते हैं, तो माँ बाप के चेहरे में मुस्कान बढ़ जाती है, माँ बाप के चेहरे खिल जाते हैं और माँ बाप को जीने का संबल मिल जाता है। आत्मीय बंधुओं, बुढ़ापे की स्थिति में माँ बाप को जीने का सहारा मिल जाता है, आपका प्रेम और आपका प्यार क्या आप माँ बाप को देते हैं? यदि आप वही प्यार और प्रेम आज माँ बाप को नहीं दे रहे हैं तो कल के डेट में वही प्यार और प्रेम आपको भी नहीं मिलेगा। आज यदि आप अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे रहे हैं, माँ बाप की आरती नहीं उतारते हैं, माँ बाप के साथ नफरत का भाव रखते हैं, तो कल के आने वाले पीढ़ी भी आपके साथ नफरत का भाव रखेगा। कल के आने वाले पीढ़ी भी आज जैसे आप अपने माँ बाप से बर्ताव करते हैं, वैसे आने वाले पीढ़ी भी कल आपके बच्चे आपके साथ बर्ताव करेंगे। आप कैसे बर्ताव करते हैं? जब आप नौकरी में जाते हैं, खेत जाते हैं, खलिहान जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कहीं भी जाते हैं, तो घर से जाते समय माँ बाप का चरण स्पर्श करके जाते हैं, तो माँ बाप आपके आने का राह देखते रहते हैं, सुबह से ले करके शाम तक आपके इंतजार में बैठे होते हैं, मेरे बेटे आ रहे होंगे। आपकी साया घर तक रहती है, आपके साया आप माँ बाप के आशीर्वाद आप तक पहुंचती है और माँ बाप आपके रास्ते देखते रहते हैं। जैसे ही आप घर में आते हैं, घर में आकर के माँ बाप का फिर से चरण स्पर्श कर लेते हैं, माँ बाप के चेहरे में पुनः मुस्कान आ जाता है, माँ बाप के चेहरे खुल उड़ते हैं और उनको लगता है आज भी मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, मेरे अपना कहाँ मानते हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप बाहर में मंदिर बनाओ या मत बनाओ, बाहर मंदिर के पूजा करो या मत करो, कम से कम घर में मंदिर बना लो, घर को मंदिर बना लो, पूरे घर को मंदिर बना लो और घर के सदस्यों के साथ में देवी देवता की तरह व्यवहार करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर में निहाल हो जाएगा, आपके घर में आनंद ही आनंद बिखरेगा। यही तो जीने की कला है, इसी को तो जीने की कला कहा जाता है। एक आदमी जज था और जज की कला इतनी अच्छी कला थी, जजमेंट इतनी अच्छा देता था, वो इतना अच्छा जजमेंट देता था और जजमेंट का तजुर्बा अलग होता है, उनका अहंकार अलग होता है, उनका निर्णय क्षमता अलग होता है, कड़वे शब्दों में तेज एक शब्द बोलते हैं, वो बातें नहीं कटती है जजमेंट का, जज का एक बातें नहीं करती है। एक जज था, अपना जजमेंट दिया करता था। एक दिन हुआ क्या, उनके यहाँ उनके मित्र आए और मित्र आकर के पूछते हैं, हेलो मित्र, भाई साहब कहाँ हैं?
उसके भाई साहब उनका मित्र घर में नहीं था, घर में उनकी पत्नियां थी, उनकी पत्नी थी और उनके बच्चे थे। उनके पत्नी और बच्चे थे, उन पत्नी और बच्चे से उनके जज साहब के मित्र आए और अपने अपने मित्र के पत्नी और बच्चे के साथ बैठ करके आराम से चर्चा कर रहे थे, वार्ताएं कर रहे थी, अच्छी अच्छी वार्ताएं चल रही थी, एक दूसरे के चेहरे पे मुस्कान था, सब हंस करके मुस्कुरा रहे थे। इतना में कुछ देर बाद में उनके मित्र आते हैं और जैसे ही मित्र आते हैं उनके पत्नी उनके बच्चे तुरंत उठ करके अपने कमरे में चले जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। जज साहब घर में आते हैं, उनके मित्र पूछते हैं, भाई साहब क्या बात है, अभी तक आपके पत्नी आपके बच्चे मेरे साथ बैठ करके अच्छी अच्छी वार्ताएं कर रहे थे, चेहरे में मुस्कान था, सब हंस रहे थे, लेकिन आपके आते ही आपके पत्नी आपके बच्चे कमरे के अंदर चले गए, बोलती बंद हो गई। मित्र इतना में कहता है, किसकी औकात है जो मेरे सामने बैठ करके बात करे। इतना में उनका जज साहब का मित्र कहते हैं, भाई साहब आपका कहना ठीक नहीं है, आपका घर ये घर है, ये आपका कोर्ट नहीं है। इतने में उनकी पत्नी को साहस मिलता है, उनकी पत्नी अंदर से कहता है, भाई साहब अपने मित्र को कह दो, जैसे ही जज से कुर्सी से उतरते हैं तो अपना कोट जैसे उतारते हैं वैसे ही अपना जजमेंट भी जजपना भी वहाँ छोड़ के आया करे, अपना जजपना घर में मत लाया करे, हम लोग को जीना मुश्किल हो जाता है, हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। उनकी पत्नी अंदर से बोलता है, उनका मित्र कहता है, भाई साहब ऐसा करना ठीक नहीं है, आपका घर जज बनना अच्छी बात है, जज की कला अच्छा है, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है तो जज की कला बेकार चली जाती है। ऐसे ही आप घर में वार्ताओं मित्रों से अच्छी वार्ताएं करते हैं और घर में कटु कुठार बोलते हैं, घर में कड़वे शब्द बोलते हैं तो आपका बोलना बेकार चला जाता है। इसलिए मैंने पुनः अपनी बात पर आऊं कि आपको अपने घर को मंदिर बनाना है, बाहर मंदिर काम आने वाला नहीं है, बाहर मंदिर कोई काम नहीं आएगा, बाहर का मंदिर तो सिर्फ स्थापना है, बाहर की मंदिर तो सिर्फ शोभा है, बाहर की मंदिर की स्थापना और शोभा उसकी शोभा इसी में है कि उस जहाँ जिस भगवान को बिठाया गया है, जिस मूर्ति को बिठाया गया है, उस मूर्ति के हिसाब से उस भगवान के चित्र से उनके चरित्र तक पहुँचना, ये भगवान की इस मूर्ति की सार्थकता है। चित्र से चरित्र तक पहुंचना ये मूर्ति की सार्थकता है, मूर्ति स्थापना की सार्थकता है, पूजा की सार्थकता है। और सिर्फ हम चित्र की पूजा करते गए और चरित्र की पूजा नहीं किए, चरित्र पर नहीं बढ़े तो हमारी पूजा सारी बेकार चली जाती है। आत्मीय बंधुओं, पूजा चरित्र की होती है, पूजा चित्र की नहीं होती है। आज तक इस दुनिया में किसी भी हीरो हीरोइन की पूजा नहीं होती है, किसी एक्टर का पूजा नहीं होता है। हमारे भारत एक ऐसा धर्म प्रधान देश है जहां बड़े बड़े महापुरुषों की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होती है। श्री राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं तो चित्र की पूजा करते हैं और साथ साथ उसके चरित्र की याद करते हैं। और मात्र चित्र की पूजा होती तो हम बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं जो दिखने से अच्छे नहीं दिखते हैं, जिस दिखने से अच्छे महान सुकरात थे, सुकरात दिखने से अच्छे नहीं दिखते थे लेकिन उसकी पूजा किया करते थे क्योंकि उनका स्वभाव सुंदर था, उनका जीवन सुंदर था। संत ईसा थे जिसे क्रॉस पे लटकाया गया लेकिन आज उसकी लोग पूजा करते हैं कि उनका जीवन क्योंकि उनका जीवन सुंदर था, उनका चरित्र सुंदर था। महान सुकरात को जहर दिया गया, विष का प्याला पिया गया और जहर का विष का प्याला पीते हुए वो कहते हैं कि किसी को इन लोगों को माफ़ कर देना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर इन लोगों को माफ़ कर देना, ये लोग नादान हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। चरित्र अच्छा है उसकी ही पूजा होती है। जीवन जीने की कला ये है। परिवार उसे कहा जाता है जहां आपस में भाई भाई, देरान जेठान, आपस में सास बहू एक साथ मिल करके दोपहर का भोजन किया जाता हो, मानो उस घर में रोज होली का त्यौहार है।
जहाँ देरान जेठान सास बहु भाई भाई माता पिता पुत्र आपस में एक साथ मिलकर के भोजन करते हों दोपहर में, मानो रोज उस घर में होली का त्यौहार है। और जिस घर में रात्रि में ऑफिस से ड्यूटी से खेत से खलिहान से कहीं से भी आने के बाद में आपके घर में कहीं से भी आने के बाद में आपके घर में एक दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो और माता पिता की आरती वंदना कर लिया जाता हो, माता पिता के चरणों में मत्था टेक लिया जाता हो और दीप प्रज्वलित करके आरती ले लिया जाता हो, पूजा कर लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है। आप साल में एक बार मनाते हैं, मैं कहता हूँ आपके घर में रोज दीपावली का त्यौहार हो सकता है। आपके घर में चार चांद लग जाएंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस दिन आपके घर में माता पिता का पूजा शुरू हो जाए उस दिन आपके घर के नक्शे बदल जाएंगे। आपके ऊपर है, आप बदलना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। क्या आप बदलना चाहते हैं? नहीं बदलते हैं तो आप जानिए, बदलिए जीवन को, जीवन को बदलिए। और यही जीने की कला है, यही सुंदर जीने की कला है। हर माँ बाप की शिकायत होती है, बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। भाई हमारे संत कहा कह रहे थे, क्या आपने बच्चों को संस्कार दिया है? क्या बच्चों को आपने वो सिखलाया है? मैं कहा करता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो, बच्चों को कार मत दो, मोबाइल मत दो, गाड़ी घोड़ा मत दो तो बच्चे चार दिन छः दिन रोएंगे, और बच्चे को संस्कार न दो तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। बच्चों को कार नहीं चाहिए, बच्चों को संस्कार चाहिए। आपके घर में कोई चीज खराब मत हो उसके लिए क्या करते हैं, आपके घर में अन्न खराब मत हो उसके लिए उसे एक बोरी के पैकेट में डालते हैं, उसमें दवाइयाँ डालते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। आपके घर में फल खराब मत हो, सब्जियाँ खराब मत हो उसके लिए आपके घर में क्या है, फ्रीजर है, फ्रिज है। क्या आपके घर में बच्चे खराब मत हो इसके लिए आपके घर में कुछ है? आपके घर में कोई उपचार नहीं है? आपके घर में बच्चे खराब मत हो इसके लिए आपके घर में कोई उपचार नहीं है? आपके घर में बच्चे खराब मत हो इसके लिए कोई संस्कार की बातें नहीं होती है? आपके घर में बच्चे ना बिगड़े इसलिए कोई अच्छी चर्चाएं नहीं होती है? आपके घर में बच्चे ना बिगड़े इसलिए संत गुरुजनों को बुलाया नहीं जाता है? तो कैसे आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, कैसे आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं? बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाया जाता है, कथावाचक संस्कार की बातें नहीं बताते हैं। मैं खड़ी शब्दों में कहता हूँ, अभी प्रदीप मिश्रा जी है, बड़े बड़े व्याख्याकार है, वो कहते हैं आपके बच्चे अधिक पेपर के दिन पेपर की तैयारी नहीं किया हो तो आप तीन बेल की पत्ती तोड़ देना और शंकर भगवान में चढ़ा देना, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। क्यों इतना अन्याय और अत्याचार? बड़े बड़े व्याख्याकार लोग, बड़े बड़े व्याख्याकार लोग कहते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो एक व्याख्याकार कहते हैं नहीं, श्री राम की पूजा करने से, तो एक व्याख्याकार कहते हैं नहीं, भोले की पूजा करने से, तो कोई कहते हैं कृष्ण की पूजा करने से, तो कोई कहते हैं कबीर की पूजा करने से, तो कोई कहते हैं राम की पूजा, तो कोई कृष्ण को, तो कोई ईसा की, तो कोई मोहम्मद की। लोग माने तो माने, ना माने तो माने, किसका माने? और मैं कहूँ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, किसी की पूजा मत करिए, आप किसी की पूजा मत करिए, कर्मों की पूजा करिए। और कर्म अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा होगा। किसी के साथ अन्याय मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए, किसी के साथ गलत वार्ताएं मत करिए, गलत चर्चाएं मत करिए। कर्म हमारा अच्छा है तो धर्म हमारा अच्छा रहेगा, और कर्म और धर्म दोनों अच्छा है तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा, और कर्म और धर्म दोनों बेकार है तो हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा। कर्म पर विश्वास रखिए, लोगों पर कर्म पर विश्वास नहीं। अभी बहुत से यहाँ बैठे लोगों को अपने कर्म पर विश्वास नहीं, किस पर विश्वास है? कटु वचन बोलने जा रहा हूँ, आप विश्वास करिएगा कि हम पर किस पे विश्वास है, किस पे विश्वास है? कर्मों पर विश्वास रखिए। सदगुरु कबीर ने इसलिए कहा है, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। यदि आपने बोए पेड़ बबूल का बोया है तो आम नहीं खा सकते हैं, इसलिए आपको करना क्या है, अच्छे कर्म करना है। एक जगह जयपुर एक शहर है, राजस्थान में पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति ने करीब करीब 80 लाख रुपये का मकान बनाया, 80 लाख रुपए का मकान बनाया। और मकान बनाने के बाद में स्पेशल मकान बना था, टाइल मार्बल सब लगा था, फाल सीलिंग था, पुट्टी था, सब कुछ।
उसके बाद में मकान के ऊपर में एक आदमी ने किया क्या था, मकान के बाद में ऊपर में एक आदमी ने काला टायर लटका दिया था, पुराना टायर। लोगों ने पूछा, भाई साहब ये क्यों लटकाया गया है? संत ने पूछा, क्यों लटकाया है? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी, इस टायर लटकाने से इसमें मकान में किसी का नज़र नहीं लगेगा, नज़र नहीं लगेगा। महात्मा ने कहा, इतनी अच्छी बात है, टायर लटकाने से मकान में किसी का नज़र नहीं लगेगा, और लटकाए हैं तो पुराना टायर लटकाए हैं, एक काम करना, तुम अपने गले में नया टायर लटका लेना, तुमको मौत का नज़र नहीं लगेगा, मौत का नज़र नहीं लगेगा। आदमी मकान बनाया, 80 लाख रुपए का मकान बनाया, छड़ सीमेंट की मजबूती पर भरोसा नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, उसके छड़ सीमेंट सरिया गिट्टी रेट बालू पर विश्वास नहीं है, इंजीनियरों की इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है उसको? पुराने टायर पर विश्वास है, इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं है। आदमी गाड़ी लेता है तो 40 लाख 50 लाख 80 लाख 90 लाख की गाड़ी लेता है, उस गाड़ी पे इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। गाड़ी को किस पर भरोसा, आदमी को किस पर भरोसा होता है? गाड़ी में एक लाल चुनरी बांध लेता है उस पर भरोसा है, गाड़ी के टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। अब लाल चुनरी बांधने के बाद में आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी गाड़ी कभी ठोकाएगा नहीं, आपकी गाड़ी कभी पंचर नहीं होगा, आपकी कभी उसमें दुर्घटनाएं नहीं होगी। आदमी का दिमाग कैसे उलट गया है देखिए। आदमी का शरीर 5 फीट और 6 फीट का शरीर है, और इस 6 फीट के शरीर पर भरोसा नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं, अपने जीवन पर भरोसा नहीं, अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं, अपने इष्ट देवता और भगवान मानते हैं उस पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है बताऊँ आपको? आदमी एक अपने पैर में काला धागा बांध लेता है उस पर भरोसा है, आदमी यहाँ ताबीज बांध लेता है उस पर भरोसा है, आदमी यहाँ अंगूठी पहन लेता है उस पर भरोसा है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। ये दुनिया के पंडित लोग महा गोरख धंधे वाले हैं, उस पर भरोसा मत करना, अपने कर्मों पर भरोसा करना। ये तो अपना व्यापार चला रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए अंगूठियाँ बेचते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि मंत्र और तंत्र के बल पर दुनिया को बदला जा सकता तो आज भारत देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती, और मंत्र और तंत्र के बल पर दुनिया को बदला जाता तो आज हमारे भारत देश में आतंकवाद नक्सलाइट जैसे लोग पैदा नहीं होते, आतंकवाद नक्सलाइट जैसे लोग पैदा नहीं होते। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, आप शौक से अंगूठी पहनो ना पहनो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं चैलेंज देता हूँ। आप अंगूठी निकाल दो तब भी वही रहेंगे, और अंगूठी पहनेंगे तब भी वही रहेंगे। सदगुरु कबीर का यही करारा जवाब है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखो, और अपने कर्मों पर भरोसा रखो, सुंदर खान पान रखो, सुंदर बोली बर्ताव रखो, सुंदर आचरण रखो। आदमी बोलता अच्छा है, खाता कड़वा है, कड़वा बोले तो कड़वा भी खाएगा एक दिन। इतना सुंदर मैंने कहा, इतना सुंदर चीज मिला है और मांसाहारी का अभक्षण करता है, इतना सुंदर शरीर मिला है और आदमी क्या खाता है? काजू किशमिश बादाम छोहारा ये चीज खाना चाहिए, तो आदमी बैठे बैठे तंबाकू और चुटनी खाता है, आदमी गुटखा खाता है, गुड़ाखू घसता है। यहीं बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ, एक आदमी दूसरे को गुटखा दे रहा है तो दूसरा चुंगी दे रहा है तो खा रहा है। क्यों आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं? क्यों अपना ही परिवार में अपना इमेज खराब करते हैं? आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे, अभी आपके जीवन में दुर्व्यसन नहीं होगा, आपके बच्चे आपको सम्मान देंगे। इस परिवार में, इस गांव में वो सौभाग्यशाली परिवार होगा जिस घर में एक भी बच्चे गुटखा अंडा मांस मछली शराब अन्य चीज नहीं। यही धर्म तो सिखलाता है, यही धर्म सिखलाता है। कौन सी धार्मिक हैं फिर हम? कैसे धार्मिक है? कैसे कृष्ण की पुजारी है? कैसे बुद्ध की पुजारी है? कैसे राम की? कैसे महावीर की? कैसे मोहम्मद की पुजारी हैं? कौन से महापुरुष है जो हमको गुटखा शराब अंडा मांस मछली सिखलाता है? आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करूंगा, इसलिए आपके जीवन में दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे आपके प्रणाम करें, आपके बच्चे आपके सामने झुके तो आपके बच्चे आपके सामने झुके तो आपके दांत साफ होना चाहिए, दांत चमकते हुए दिखना चाहिए। तो आपके बच्चे इधर प्रणाम भी कर रहे हैं, इधर से आप मुंह में गुटखा भी दबा रहे हैं, इधर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लाल लाल थूक भी रहे हैं, कौन सा आशीर्वाद देंगे? आपका मुख ही खराब है तो कौन सा आशीर्वाद देंगे? यहाँ से जाए तो बदल करके जाए। आप लोगों से यही मांग रहा हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आप कुछ दो या मत दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप यहाँ से जाएंगे तो आप यही दान करके चले जाना, अंडा मांस मछली शराब गुटखा ये सारे चीज यही दान करके मुझे चढ़ा करके चले जाना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर के माहौल बदल जाएंगे। और शराब पीने वाले भाइयों से निवेदन है, शराब छोड़ देना, आपका तकदीर बदल जाएगा। शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, शराब पीने वाले सिर्फ शराब नहीं पीते हैं बल्कि अपने आने वाले पीढ़ी की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है, आपके बच्चे सोचते हैं आईपीएस बनूंगा, आईएएस अफसर बनूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, नर्सिंग करूंगा, बहुत सारे उड़ान भरने की क्षमता होती है। जब जब आप शराब पी करके घर में प्रवेश करते हैं, जब जब आप शराब पी करके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके बच्चे देखते हैं ऐसे शराबियों के बीच में मेरा कौन सा विकास होगा, ऐसे शराबियों के बीच में मैं कौन सा विकास कर पाऊंगा। आपके बच्चे हरास होते चले जाते हैं और आपके बच्चे की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है, आपके बच्चे की जो ऊंचे उठने की क्षमता होती है, वो मिट्टी पलीद होता चला जाता है, मिट्टी पलीद होता चला जाता है। आपके बच्चे का विकास रुक जाता है, आपके परिवार का विकास रुक जाता है। जब आपको स्पेशल दूध 50 से 60 रुपये में लीटर में मिल जाता है तो आपको क्या ज़रूरत है कि शराब जैसे जहरीले चीज को पी करके आप हजार हजार रुपये लीटर में पीते हैं। कई बार आप देखे होंगे जहरीली शराब पीने से इतने बच्चे की मौत, इतने शराबियों की मौत, क्यों अपने ज़िंदगी को मौत के रूप में मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं आप। यदि आप शराबी हैं तो आपके बच्चे आपको सम्मान नहीं दे सकते हैं, आप शराबी हैं तो आपके बच्चे शराबी जुआनी सब कुछ करेगा, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने जैसे बच्चे को संस्कार देना चाहिए था शायद वैसे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया है, जैसे बच्चों को शिक्षा देना चाहिए था शायद बच्चों को वैसे शिक्षा नहीं दे पाया है। इसलिए आत्मीय बंधुओं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके घर का माहौल बदले। माताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके बच्चे किन लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसे लोगों से वार्ताएं होती है, उन पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। मैं खास जोर डालना चाहता हूँ अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। आपके बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे पैदा होते ही आपको अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, आपके बच्चे पैदा होते ही आप अपने बच्चे के गले में ताबीज पहनाते हैं, क्यों इतना अंधविश्वास और चमत्कार में अपने ज़िंदगी को ढकेलते हैं। ताबीज से कुछ नहीं होने वाले हैं, आपके बच्चे लूले और कमज़ोर होते चले जाते हैं, आप अपने बच्चे को अंधविश्वास में ढकेलते चले जाते हैं और आप अपने बच्चे को अपाहिज बनाते चले जाते हैं। बैठे माताओं से निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चे को कोई ताबीज मत पहनाओ, तोड़ के फेंक दो, कुछ भी नहीं होने वाला है उससे, ये तो गोरख धंधा है, लोगों का बिजनेस है, व्यापार चल रहा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि किसी बैगा में, किसी पंडे पुजारी में, किसी में शक्ति हो तो मुझे कर दे जो करना है, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं इसको। इसलिए आपके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको स्वच्छता सिखाइए, उनका प्रेम की परिभाषा सिखलाइए, उनको जीवन में जीने की तरीका सिखलाइए, उनको माँ बाप का सम्मान कैसे करना है ये चीज सिखलाइए, बल्कि उनको सही शिक्षा दीजिए, अंधविश्वास और चमत्कार से बचाइए। देवी देवता पूजा पाठ ही सबसे जीवन में बदलाव कम होता है, बदलाव होता है आंतरिक परिवर्तन से, विचारों की परिवर्तन से। बच्चों को ताबीज मत पहनाइए, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं बच्चे को कमज़ोर और अपाहिज बना दिया जाता है, बच्चे जन्म लेते ही ताबीज पहनते हैं, माँ बाप से प्रश्न करते हैं माँ ये क्या है, बच्चे कहते हैं बेटा ये ताबीज है, इसमें बहुत कुछ है और इसके पहनने से तुम्हारा विकास होगा। कौन सा विकास होगा, कोई उसका उत्तर नहीं है आपके पास, आपके पास कोई उत्तर नहीं है उसका। आपके घर में माता पिता की पूजा करिए, किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, सारे भगवान में गोरख धंधा चल रहा है। अभी आज से 6 महीना पहले तिरुपति मंदिर बालाजी मंदिर में रेड पड़ा, एक पुजारी के घर में 3 करोड़ रुपये संपत्ति और 36 टन उसका सोना निकला, उसका 36 करेट सोना निकला, कहाँ गए भगवान। आप सभी से निवेदन करता हूँ कहाँ गए भगवान, किसी के घर भरने के लिए भगवान बना है मंदिर, किसी के घर बनाने के लिए भगवान बनाया जाता है,
ये सब आज व्यापार चल चुका है। बड़े बड़े मंदिरों में हीरे और जवाहरात चलते हैं, हीरे और जवाहरात चढ़ाया जाता है, सारे हीरे और जवाहरात मंदिर के पुजारियों को घर में भर दिया जाता है, और कभी रेड पड़ता है तो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति निकलता है। कौन सी पूजा है वो? ऐसी पूजा से अच्छा है आप एक एक रुपये जोड़ते हैं। उस पैसा का सार्थकता ये है कि आप अपना घर बनाइए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, मंदिर और मस्जिद में अपना पैसा बर्बाद मत करिए। आप पूजा और स्थापना में, अपना पूजा और संपत्ति में, चढ़ोतरी में अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करिए। पैसा वहाँ लगाइए, गरीबों को बांटिए पैसा। आपके पास पैसा है तो अनाथों को कपड़ा दे दीजिए, अनाथों को भोजन दे दीजिए। उस समाज में, उस संस्थाओं में, सेवा में लगाइए जहाँ समाज की सेवा होती है, जहाँ न्याय और अत्याचार नहीं होता है, जहाँ आडंबर और पाखंड नहीं होता है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ हवन और तर्पण के नाम पर ना जाने कितने लाख लाख टन ही खाने पीने के अन्न पदार्थ हवन और तर्पण में फूंक दिए जाते हैं। कौन सी ज़रूरत है ऐसी पूजा की? एक तरफ आदमी भोजन के लिए तरस रहा है, और दूसरे तरफ वही घी मेवे मिष्ठान आग में जला करके भस्म कर दिया जाता है। ऐसी पूजा से सार्थकता क्या है? ऐसी पूजा तो बेकार चली जाती है। एक आदमी मंदिर की ओर आगे बढ़ रहा था, मंदिर की ओर आगे बढ़ते देखा वहीं पर एक व्यक्ति भूख से तरस रहा था, तो उन्होंने किया का जो अपने हाथ में दूध लिया था वो व्यक्ति मंदिर ना जा करके उस व्यक्ति को चढ़ा दिया और व्यक्ति को दे दिया। व्यक्ति दूध पी करके उनका प्रणाम किया, उन्होंने कहा आज आपने मेरा जान बचा दिया। व्यक्ति कहते हैं आज मैं भगवान से मुलाकात कर लिया, उसको ज़रूरत नहीं है फिर भगवान के पास जाने का। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, माताओं से निवेदन कर रहा हूँ, कोई पंडे और पुजारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बैगा को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को झड़वाने और फुकवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बैगा और ओझा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि बैगा ओझा झाड़ और फूक से आपका तकदीर बदलते तो सबसे पहले उनका तकदीर देखो, कितना ख़राब है उनका तकदीर। जो अपने ही घर में एक बेचारा झोपड़ी में रहता है, अपने खुद का बच्चे नहीं है, दूसरे को बच्चे देता है, कैसा तकदीर है उनका देखो। आपके क्या तकदीर बदल पाएंगे? आपके क्या तकदीर बदल पाएंगे? सद्गुरु कबीर का यही है सिद्धांत, कर्मों पर विश्वास रखो, अपने जीवन पर विश्वास रखो और सही दिशा में आगे बढ़ो, सही दिशा में आगे बढ़ो। आज हम सबको ज़रूरत है इसीलिए सही दिशा में जाने की। थोड़ी व्यवहारिक चर्चा, आपस में प्रेम, आपस में माँ बाप को सम्मान देने की ज़रूरत है, आपस में माता पिता को सम्मान देने की ज़रूरत है। और माताओं से निवेदन है कि जिस घर में बहनों को, अपने बहुओं को बेटी की तरह प्यार दिया जाता है वह घर स्वर्ग बन जाता है, और जिस घर में बेटियां बहुएं अपने घर में सास ससुर को माँ बाप की तरह सम्मान करते हैं वह घर का नक्शा बदल जाता है, उस घर का प्रेम का माहौल बदल जाता है, उस घर का प्रेम बदल जाता है, नक्शे बदल जाते हैं, और उस घर में एक अच्छा वार्ता होती है, उस घर में प्रेम का संचार होता है। एक घर में एक बुढ़िया माँ करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी, और 80 साल की अवस्था थी, जर्जरता की अवस्था थी, शाम चाम में सीकन आ गया था, शिथिल से चमड़ी हो गया था। उसको एक बेटी बड़े प्यार से नहला रही थी, उधर से एक संत गुजरते हैं, संत गुजरते गुजरते पूछते हैं बेटी क्या तुम्हारी माँ है बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है नहीं महाराज जी, मेरी माँ नहीं, मेरे माँ से बढ़कर के रिश्ता है, मेरी माँ नहीं, मेरे माँ से बढ़कर के रिश्ता है। पुनः पूछता है वो संत को, रहा नहीं गया, माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? पुनः पूछता है क्या तुम्हारी सासू माँ है? संत पुनः पूछता है क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो बेटी बोलती है नहीं महाराज जी, मेरी सासू माँ भी नहीं, उससे बढ़कर के रिश्ता है। उस संत को रहा नहीं गया, इस दुनिया में माँ और सासू माँ से पवित्र रिश्ता क्या हो सकता है? वो संत को रहा नहीं गया, वो संत पुनः पूछता है आखिर बेटी तुम्हारी माँ भी नहीं है ना, तुम्हारी सासू माँ नहीं, आखिर है तो कौन है? वो बेटी बोलती है संत जी, ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। संत जी, ये वो माँ है
जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मेरे माथे में बिंदिया है, आज मेरे हाथों में चूड़ी है, आज मेरे पैर में माहौर है, जिसके बदौलत आज मेरे गले में मंगलसूत्र है। क्या इतना प्रेम होने के बाद में किसी सास और बहू के बीच में टकराहट होगी? क्या इतना प्रेम होने के बाद में किसी के घर में नफरत का बीज बोया जाएगा? इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रेम करना सीखिए, आपस में बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, भ्रांतियों से बच्चों को उठा करके रखिए। इसलिए आप, मैं बीच में कह रहा था कि बच्चे को कहा करते हैं कि बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, आप सभी से एक प्रश्न है, क्या बच्चे को पाठ सिखलाया है आपने कि आपके बच्चे आपका कहा माने? आपने पाठ सिखलाया, क्या पाठ सिखलाया है? धन कैसे कमाना है पाठ सिखलाया? बच्चे धन कमा रहे हैं, आपके 6 बीघा जमीन था उसको 8 बीघा करने का ताकत बच्चे रखते हैं। आपने मकान कैसे बनाना है बच्चे को सिखलाया, आपके बच्चे मकान अच्छे से अच्छे बनाते हैं, आपके मकान 3 मंजिला है उसको 4 मंजिला करने का ताकत रखते हैं। आप वकील है तो बच्चे जज बनने का ताकत रखते हैं। आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आपके बच्चे 1,00,000 रुपया महीने कमाने का ताकत रखते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ सिखलाया है। आपने, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कैसे चलाना है बच्चे जानते हैं, मोबाइल चलाना है तो मोबाइल कैसे चलाना है आपके बच्चे जानते हैं। क्या आपने जीवन कैसे जीना है ये भी सिखलाया है बच्चे को? कैसे बड़ों को सम्मान करना है, कैसे माता पिता की आरती उतारना है, कैसे माँ बाप के चरणों में मत्था टेकना है, क्या कभी आपने ये भी पाठ सिखलाया है? आप खुद अपने जीवन में माँ बाप की आरती नहीं उतारते, आप अपने जीवन में खुद माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेकते, तो आपके बच्चे कैसे मत्था टेकेंगे, आपके बच्चे कैसे मत्था टेकेंगे? आप कभी मंदिर में, कभी अनाथालय में नहीं ले जाते बच्चों को, कभी बच्चों को आश्रमों में नहीं ले जाते, कभी बच्चों को वृद्ध स्थान में नहीं, वृद्ध आश्रम में नहीं ले जाते, और आश्रमों में ले जाकर के कैसे सेवा और शुद्धाएँ और साधना किया जाता है, कैसे संत जन खुद का निर्माण करते हैं, खुद को तराशते हैं, ये चीज़ आप बच्चों को ले जा करके नहीं सिखलाते हैं तो आपके बच्चे कैसे मान जाएंगे आपका कहा? मात्र आपकी संपत्ति देने से आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे? संपत्ति तो गैर लोग भी दे देते हैं अन्य लोगों को, संपत्ति तो गैर लोग भी, अपने बच्चे नहीं उसको भी संपत्ति बांट दिया करते हैं। क्या इतने मात्र संपत्ति दे देने मात्र से कोई माँ बाप हो जाएंगे? क्या किसी के कोख से मात्र बच्चा पैदा हो जाने से माँ बाप हो जाते हैं? जब तक उसके अंदर मातृत्व भाव पैदा ना हो, जब तक उसके अंदर पितृत्व भाव पैदा ना हो, तब तक कोई माता और पिता नहीं बन जाता है। जब तक अच्छा संस्कार ना दे पाए तब तक कोई माँ और बाप नहीं बन पाता है। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास वो शिक्षा नहीं है, मन से विकसित नहीं है। और आदमी भी सिर्फ बच्चा पैदा कर दे और बच्चे को सही विकास नहीं कर पाए, बच्चे का सही विकास नहीं हो पाए, तो जानवर और आदमी में परिवर्तन क्या हुआ फिर? जानवर और आदमी में अंतर क्या हुआ फिर? इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी के सभी बच्चों को अच्छा संस्कार दे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को तराशिए, जीवन को तराशिए, और तराशा सत्संग में ही जाता है। जितना ही इस दुनिया में कोई भी चीज़ को तराशा जाता है उतना ही इस दुनिया के सारी चीज़ कीमती होती चली जाती है। वैसे ही आप जीवन को तराशते हैं तो आपका भी कीमत बढ़ता चला जाता है, आपका भी कीमत बढ़ता चला जाता है। जब खदान से हीरे निकाले जाते हैं तो खदान से हीरे निकालने के बाद में हीरे का कीमत बहुत कम होता है, हीरे की कीमत बहुत कम होता है। एक सूरत, गुजरात शहर में सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ हमारा आश्रम है। वहाँ एक व्यापारी आया और हीरे दिखाया तो कंकड़ की तरह दिखता था, लेकिन कहे महाराज जी इसी हीरे को तराश दिया जाए तो हीरे के 56 पहल बनेंगे, और 56 पहल बनेंगे और हीरे का कीमत 5 से 6 गुना बढ़ जाएगा। जो हीरे 2 लाख रुपये है वही हीरे 10 लाख रुपये तक भी बिकेगा हीरे को तराश देने के बाद में। हीरे को तराशने के बाद में हीरे की कीमत बढ़ जाता है।
कच्चा लोहा खदान से निकालते हैं तो कच्चा लोहा को निकालते हैं तो इसका कीमत बहुत कम होता है। वही लोहे को तराश दिया जाता है, फिर कोई रूप दिया दे दिया जाता है, कोई आकार दे दिया जाता है, खिड़की दरवाजे बना दिए जाते हैं, लोहे का श्रृंगार कर दिया जाता है, वही लोहे का रेट कई गुना बढ़ जाता है। छोड़िए लोहे की बात, हीरे की बात छोड़ दीजिए, आप साधारण से पानी, अभी आपके हर आपके यूपी में पानी की कमी नहीं है, आप 10 फीट 15 फीट खोदो पानी मिल जाता है, हजारों टन पानी आप ऐसे ही बहा देते हैं, कोई कीमत नहीं होता है। वही पानी को फिल्टर कर दिया जाता है और फिल्टर करने के बाद में इस बोतल में भर दिया जाता है, इसी बोतल में भर दिया जाता है, वही पानी है, हजारों टन पानी ऐसे बहा देते हैं, लेकिन यही पानी एक लीटर बोतल में भरने के बाद 20 रुपये लीटर में मिलता है। पानी वही है, तराशा गया है, पानी का कीमत बढ़ गया, और यही पानी को आप 20 रुपये लीटर पे एरोप्ले 20 लीटर रुपये लीटर में रेलवे स्टेशन में खरीदते हैं, यही पानी को एयरपोर्ट में चले जाएंगे, जगह बदल देंगे, पानी का कीमत 50 रुपये लीटर हो जाता है। वैसे ही आप जीवन में अपने को तराशते हैं, आपका कीमत बढ़ता चला जाता है। जब हमारा भारत देश पेट्रोलियम खरीदता है बाहर से तो बॉयलर में पेट्रोल आता है, और पेट्रोल आने के बाद में उस पेट्रोल में भारत सरकार 30-35% टैक्स लगाती है, फिर 30-35% राज्य सरकार टैक्स लगाती है, और ऐसे आते 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 फिल्टर करने के बाद आप तक पहुँचते जो पेट्रोल बनने में करीब करीब 20-25 रुपये लीटर 30 रुपये लीटर लगता है बनने में, लेकिन आप तक पहुँचते वो पेट्रोल 103-105 रुपये लीटर हो जाता है। किया क्या गया है, पेट्रोलियम को तराशा गया है, तराश करके जगह परिवर्तन किया गया है, रेट बढ़ता चला गया। आप भी अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाना है, अपना कीमत कैसे जानना है, एक घटना बताऊं उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे। एक संत से पूछता है मेरा कीमत मैं कैसे जानूं, मेरे अपना कीमत कैसे जानूं, तो संत ने कहा इन बातों को छोड़ो, जो जो अपना कीमत जानना चाहते हैं इस घटना से आप जान जाएंगे कि आपका कीमत क्या है, आपका कीमत क्या है। संत ने कहा इस बात को छोड़ो और मैं जो कह रहा हूँ वही करना, मैं एक तुमको कीमती चीज़ दे रहा हूँ, इसका रेट बस पता करके आना, इसको बेचना मत। वो व्यक्ति अपने बगल से बक्सा से एक पत्थर निकाला और पत्थर निकाल करके उस व्यक्ति को दिया और कहा इस पत्थर को कभी बेचना मत, तुम जितना अधिक जगह हो सके इस पत्थर का रेट पता करते चले जाना, नीचे से ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते जितना अधिक जगह हो सके इस पत्थर का रेट बस पता करते चले जाना। वो व्यक्ति आश्रम से निकलता है, महाराज जी के पास से बाहर निकलता है और रेट पता करते जाता है। जैसे ही प्रवेश निकलता है वहाँ से निकलते कबाड़ी मिलता है, कबाड़ लेने वाले लोहे टिप्पा लेने वाले से पूछता है भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे। वो कहते हैं भाई साहब इस पत्थर का रेट बहुत अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं लोहे के भाव पर खरीद सकता हूँ, 20 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ता है सब्जी बेचने वाले से पूछता है भाई साहब आप इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे। सब्जी बेचने वाले कहता है भाई साहब वही बात कहते, तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं टमाटर के भाव पे 40 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे जाता है और एल्युमिनियम के व्यापारी के पास जाता है। वही एल्युमिनियम के व्यापारी वही शब्द कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ। वो आदमी और आगे जाता है, 20 से 40, 40 से 400 हो गया और आगे जाता है। वही व्यापारी पीतल के व्यापारी के पास जाता है, पीतल के व्यापारी कहते हैं तुम्हारे पत्थर को मैं 800 रुपये किलो पर खरीद सकता हूँ।
वो आदमी आगे जाता है, चांदी वाले के पास जाता है। चांदी वाला कहता है कि तुम्हारे पत्थर को मैं 40,000 रुपये पे खरीद सकता हूँ। आदमी को संतोष नहीं होता है। वो आदमी सोने के व्यापारी के पास जाता है, सोने के व्यापारी कहता है तुम्हारे पत्थर को मैं 4,00,000 रुपये तक खरीद सकता हूँ। आदमी को पर भी संतोष नहीं होता। एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है, हीरे के व्यापारी कहते तुम्हारे पत्थर को मैं 4 करोड़ में खरीद सकता हूँ। वो आदमी को पर भी संतोष नहीं होता है। एक बड़ा सा व्यापारी, थोक व्यापारी, हीरे के व्यापारी के पास जाता है और हीरे के व्यापारी कहता है तुम्हारे पत्थर का कोई रेट अदा नहीं कर सकता, क्योंकि साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती कोहिनूर हीरा है। आपका जीवन कितना कीमती है? आप शराबी के साथ रहते हैं, शराबी कहलाते हैं, जुआड़ी के साथ रहते हैं, जुआड़ी कहलाते हैं, और नेता के साथ में रहते हैं, नेता कहलाते हैं, शिक्षक के साथ में रहते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, अच्छे इंसान के साथ में रहते हैं, अच्छे इंसान कहलाते हैं, साधु के संत में रहते हैं, साधु कहलाते हैं, और कहीं रंग बदलते, संग बदलते बदलते रंग बदल जाता है और जीवन का तब्दील हो जाता है, और कहीं साधु का संग करते करते साधु का संन्यास धारण कर लेते हैं तो समाज के सामने आप पूजनीय हो जाते हैं। पहले आप दुनिया के सामने झुकते थे, अब दुनिया आपके सामने झुकने के लिए नतमस्तक हो जाता है और दुनिया आपके गुलाम हो जाता है। आपने किया क्या है? सिर्फ रिफाइंड किया है। जीवन को तराशिए आप। इतना सोना, इतना हीरा सा जीवन मिला है, इतने जीवन में आज हम तराश सकते हैं, इतने अच्छे वाणी बोल सकते हैं, इतने मुख से अच्छे संचार कर सकते हैं, जीवन में आपस में प्रेम का संचार कर सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं, जिससे मिले लोग महसूस करेंगे हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, जीवन में एक आनंद को महसूस कर सकते हैं। हम जीवन को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। यदि हम जीवन को गलत ढंग से जीते हैं तो हम खुद अपमानित होते हैं। जीवन को गलत ढंग से जीते हैं तो बच्चे आपको अपमान महसूस करते हैं। इसलिए आप अच्छा सम्मानपूर्व जीवन जिए। आपके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, आपके जीवन में कोई गलत सेवन नहीं होना चाहिए, आपका जीवन पूजनीय होना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जो कुछ करो सो पूजा, पूजा समझ करके करो। आपका जीवन पूजनीय होना चाहिए। आपका चलना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पीना, आपका हर क्रियाकलाप पूजनीय हो। आपके कर्मों के सामने लोग उनके आपके कर्मों को याद करें, आपके बोली वर्ताव को याद करें, आपके जीवन को याद करें। आप इस दुनिया से जाए तो लोग आपकी याद करें, वास्तव में वो आदमी आदमी था, उनका जीवन कुछ अलग ही था, उनके जीवन में कुछ निरालेपन थे, उनके जीवन में कुछ जीने का अंदाज ही अलग था। उन्होंने अपने घर को बदला, समाज को बदला, परिवार को बदला और एक नए दिशा देकर के समाज को चला गया। इसलिए आत्मीय बंधुओं, मैंने अपने बात शुरू की थी कि कर्मों को सुधारना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक हम कर्मों को नहीं सुधारते हैं तब तक जीवन नहीं सुधरता है। इसलिए कर्मों पर भरोसा रखिए। भगवान और भगवती के चक्कर में अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करिए। हर घर में भगवान है, हर घर में सदस्य है, वही भगवान है। आपका घर मंदिर है, फिर बाहर भगवान और देवी और देवता, बाहर मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु कबीर का यही एक सिद्धांत है और सद्गुरु कबीर का यही एक विचार है। इन विचारों के साथ अपने जीवन को आत्मसात करिए। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।